दोस्तों, अगर आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अब चाहे आप CGL के लिए कर रहे हो या CPO के लिए कर रहे हो, CHSL के लिए कर रहे हो, स्टेनो, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, आपको ये फील हो रहा है कि यार मैं बहुत अच्छे प्रिपरेशन मेरी चल रही है, बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मुझे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कमांड है, कैलकुलेशन मेरी बहुत अच्छी है, सारे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड है, नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, मेरी रैंक शायद अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500 भी आ सकती है और मैं अपना ड्रीम पोस्ट ले सकता हूँ। आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है इस बात पे। और इसके बावजूद मैं कहूँ कि SSC आपको छांट देगा पक्के तौर पे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, SSC ऐसा कर सकता है और ये करता है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। वो ना चाहते हुए भी आपको छांट देगा अगर आपका डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट नहीं है। और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा क्रूशियल कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और वो होता है आपका मार्कशीट। मार्कशीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मार्कशीट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब बात करूंगा मैं यहाँ पे बिना देर किए, शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपका कोई और अगर क्वेरी है तो कुछ उस कमेंट करने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख लीजिए, वो काफी लंबी वीडियो है, उसमें मैंने काफी सारे एस्पेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कवर किए हैं। अगर वो देख लिया आपने तो आपके मैक्सिमम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर आपका कन्फ्यूजन रह गए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो मार्कशीट आपको चाहिए होती है वो आपको चाहिए होती है 10th क्लास की, 12th क्लास की और आपकी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन चाहे आप जितने जिस स्ट्रीम में भी किया हो कोई मैटर नहीं करता, आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होती है। एक कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है बच्चों को कि क्या हमें ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ फाइनल मार्कशीट जो आपको मिलती है आपको वही रहनी चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी देखेंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज की मार्कशीट नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। फाइनल मार्कशीट आपको बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए। एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी होता है कि 10th 12th ग्रेजुएशन में हमें कितने परसेंट लाने होते हैं, तो दोस्तों नोटिफिकेशन में भी कई बार ये चीज मेंशन होती है कितना परसेंट मिनिमम आपको होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको जस्ट पास होना है 10th में 12th में ग्रेजुएशन में, आपको जस्ट पास होना है। चाहे आपने कॉम्प्लीमेंट्री देके बाद दिया हो, सप्लीमेंट्री देके दिया हो, री एग्जाम देके दिया हो, चाहे इंप्रूवमेंट में हो, चाहे किसी में भी हो, बस आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन में बस आपको पास करना है, आपको फेल नहीं होना है किसी भी एक सब्जेक्ट में। किसी भी प्रोसेस अगर आप पास हो तो आप इस चीज से फ्री हो जाते हो। अब एक सवाल ये आता है कि अगर हमारा कोई भी तीनों में से एक मार्कशीट अगर खो जाता है तो क्या होगा? अगर आपका कोई मार्कशीट खो गया है तो आप अपने रीजनल हेडक्वार्टर, रीजनल बोर्ड हेडक्वार्टर जाके आप अपना एक मार्कशीट फिर से प्रिंटआउट निकाल सकते। प्रिंटआउट नहीं होता है वो आपको ऑफिशियल मार्कशीट ही होती है, वो आप फिर से ले सकते हैं। कुछ ऑफिशियल फीस होती है, वो पे करके आप री मार्कशीट अपना पब्लिश करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मार्कशीट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। CBSE में तो इतना आसान प्रोसेस है, मतलब कि 100 रुपए दीजिए और तुरंत इमीडिएटली आपको 2 घंटे बैठना है, आपको तुरंत मार्कशीट मिल जाएगी। स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनका थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन अगर आपकी मार्कशीट खो गई है तो आप अपना जो रीजनल बोर्ड ऑफिस है वहां कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा, कुछ दिन देरी सही लेकिन आपको मिल जाएगा जरूर। अब दोस्तों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे डेट्स को लेके कि आपकी मार्कशीट पे डेट्स क्या होने चाहिए। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 10th क्लास के बाद 1 या 2 साल गैप लेते हैं, 12th करने के बाद 1 या 2 साल गैप लेते हैं, तब वो 12th करते हैं या फिर जो भी, तो इससे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो करंट ईयर का बच्चा है उसको प्रीफर करेगा, ऐसा नहीं है। आपके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, मार्क्स अगर आपके ज्यादा है फिर कोई मैटर नहीं करता। मैंने कहा बस आपको 10th 12th ग्रेजुएशन में पास करना है, आप 1 साल लेट हो या 2 साल लेट हो उससे मैटर नहीं करता है। आपने एग्जाम दिया हो, आपके पास आपके मार्कशीट हो, उसमें आपको पास होना है। डेट की अगर मैं बात करूं तो डेट का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के फाइनल जो मार्कशीट आपकी होती है उसमें होता है। आपको SSC जो बोलता है कि इस नोटिफिकेशन में SSC बकायदा ये मेंशन करता है कि आपको इस डेट के पहले ग्रेजुएशन हो जाना है। कहने का मतलब कि आपका इस डेट से पहले ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। कहने का मतलब कि इस डेट की पहले की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आपका जो कॉलेज है उसने जो आपको रिजल्ट दिया है वो उस पर्टिकुलर डेट से होनी चाहिए। अब देखिए, जो SSC CGL 2018 हुआ है उसकी डेट है 1 अगस्त 2018। 1 अगस्त 2018 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि आपके फाइनल मार्कशीट पे जो डेट मेंशन है वो 1 अगस्त 2018 से पहले की होनी चाहिए। लेकिन अगर हम SSC CGL 2019 की बात करें तो उसमें ये डेट 1 जनवरी 2020 दी हुई है, यानी कि अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2020 के भी पहले आया है, नवंबर में भी आया है, दिसंबर में भी आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कंसीडर कर लेंगे। SSC CGL 2017 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द एरर्स
इन देयर मार्कशीट, सिर्फ 150 बच्चों को मार्कशीट के बेसिस पे उनको रिजेक्ट किया गया है। 150 से कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं है, तो इसलिए सिर्फ मार्कशीट के बेसिस पे। बाकी आने वाले वीडियोस में और डॉक्यूमेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप लेंथी वीडियो देख सकते हैं कि आपके एडमिट कार्ड का इशू हो, मदर्स नेम फादर्स नेम में किसी तरह का एरर हो, 12th आपने कब किया, ग्रेजुएशन, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो उस वीडियो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी काफी सारे कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, उनके बारे में भी स्पेशली बात करूंगा, बहुत डिटेल वीडियो होगी। अभी मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के मैं टाइम लग रहा है क्योंकि मैं खुद किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूं, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा दूसरों से इन्फॉर्मेशन लेने में। लेकिन निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मैं आपको एश्योर कर दूंगा। तो अभी से ही अपने कागज पत्र जो आपके होते हैं वो अभी से तैयार करने में लग जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पढ़ाई की वजह से नहीं, आपके कुछ इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से आपको SSC छांट दे। तो इसलिए अपने कागज पत्र जितना तक हो सके आप टेंशन रखिए। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और है, वो ये कि अगर मेरा डेट नहीं है 1 अगस्त से बाद का, तो हम क्या करें। तो दोस्तों मुझे उसी के बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया गया था, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आप रिजेक्टेड हो, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। इलीगल टर्म्स में अगर आप जाओगे तो फिर बहुत बुरा फंस सकते हो, इसलिए इलीगली कोई काम मत करना। ठीक है, 18 में नहीं हो पाया तो 19 के लिए आप एलिजिबल हो, उसके लिए तैयारी करो। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।